बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपके चैप्टर में यूज होने वाले हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया टू पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला होते हैं। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन, बीच में कॉमा है। सो ये एक्स के कोऑर्डिनेट है, ये एक्स के लिए यूज होगा और ये वाई के लिए। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। और किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, स्लोप को हम एम बी लिखते हैं, एम इज इक्वल टू क्या होगा माइनस जो एक्स का कॉफिशियंट होगा माइनस के साथ में एंड डिवाइड बाय वाई कॉफिशियंट, ओके माइनस ए बाय बी। नेक्स्ट है व्हेन लाइन इंटरसेप्ट ऑन एन एक्स एक्सिस ऑन एक्सिस। अब बच्चे ये जो वर्ड आया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या है, मीन्स मेरे पास में ये ग्राफ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सो इंटरसेप्ट का मतलब है अगर एक्स एक्सिस की बात करें, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर वो लाइन इंटरसेक्ट करी, मीन्स उस पॉइंट पर इंटरसेप्ट की है, तो इट मीन्स यहां पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पर कर रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करता हूं तो ये वाई एक्सिस पर कर रहा है, इस पॉइंट की बात हो रही है, ओके। सो अगर आपके पास में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इंटरसेप्ट की बात हो रही हो, सो वहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। सो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, बेटे इसको स्लोप भी बोलते हैं, ये एम की वैल्यू ही है। अगर आपके पास में दो पॉइंट्स हैं तो उसमें स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। नेक्स्ट है हमारे पास में एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइन गिवन है आपको तो उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो टेन थीटा इज इक्वल टू एम वन इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट लाइन एंड एम टू इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन डिवाइड बाई वन प्लस एम वन मल्टीप्लाई एम टू। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू। नेक्स्ट है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उसका रिलेशन होता है बेटे दोनों का स्लोप को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस वन एम वन मल्टीप्लाई एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। नेक्स्ट है डिस्टेंस डी ऑफ ए पॉइंट एक्स वन वाई वन फ्रॉम ए लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर आपको इस टाइप में कोई लाइन गिवन है और डिस्टेंस पूछी जा रही है किसी एक पॉइंट से, तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या, डी इज इक्वल टू एक्स वन वाई वन जो पॉइंट थे वो पुट करने के बाद में लाएंगे ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, इट मीन्स मोड डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट है बच्चों इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, बी यहां पर क्या है, ये मैंने ड्रॉ किया ग्राफ, बी जो है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन बाय इंटरसेप्ट फॉर्म, सो इंटरसेप्ट की फॉर्म क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। यहाँ पर ए क्या था, एक्स इंटरसेप्ट कर रहा था ए पॉइंट पर एंड वाई क्या है यहाँ पे, सॉरी बी क्या है यहाँ पर, वाई इंटरसेप्ट कर रहा है बी पॉइंट पर, कैसे, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, कैसे इंटरसेप्ट कर रहा है ये एक्स पॉइंट पर, ये हमारा एक्स पॉइंट पर कर रहा है, यहां पर क्या है ये ए जीरो एंड ये क्या है वाई पर करा था मीन्स बी, यहां पर एक्स जीरो जाएगा, दिस इज द वाई इंटरसेप्ट एंड ए इंटरसेप्ट।